ये देख रहे हो पत्थर हिल रहा है, ये चीज़ है। जब ऐसे उतरने वाला रास्ता आता है ना, तब भैया बहुत डर लगता है। और इसके उस तरफ बिल्कुल खाई है। ओहो चेक कर रहे हो। सो व्हाट्सअप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो हमने लास्ट वाला ब्लॉग बनाया था वैली ऑफ फ्लावर का, और अभी हम खड़े भी वहीं पर ही हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 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 ये जगह इतनी बढ़िया है। वैसे मैं इसका एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ इससे पहले वाला। मेरा मन नहीं मान रहा था कि इस जगह से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ का ब्लॉग और ज्यादा ना बनाऊं। तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे, नजारे वजारे दिखाएंगे आपको, और साथ चलेंगे नीचे गुरुद्वारा गोविंद घाट तक। ठीक है जी। सो वीडियो ना यार बढ़िया बनानी है, आपसे प्यार लेना ना इसलिए। ठीक है जी, चलते हैं। बाकी चेक करो गाइस एक बारी, बादल देख रहे हो कितने नीचे नीचे आए हुए हैं, और ग्रीनरी है, सामने माउंटेन है, उधर रिवर है, नजारे हैं, हम हैं, आप हो, और ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी है। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया व्लॉग बनाएंगे इसको। ठीक है जी, आओ चले। ये अपना कैमरा है और ये अपनी लाठी है। ये जो लाठी है ना भाई साहब, ये ही ट्रैकिंग का सहारा होती है। वैसे लाठी जो होती है ना वो बुढ़ापे का सहारा होती है, बट ये हमारी यहाँ का सहारा है। हाँ जी पाजी, की हाल है? ठीक हो पाजी? बढ़िया रे, नजारे अगे। चलो बढ़िया जी, हम भी चलते हैं वापसी की तरफ। टाइम हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा वाला। वैली इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है ना कि मैं क्या बताऊं। मेरा ना मन ही नहीं कर रहा यहाँ से मैं घर वापस जाऊं। मन कर रहा है कि बस इस वैली को ना ऐसे ही बैठ के ना ताड़ता रहूं, ताड़ता रहूं, ताड़ता रहूं। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट है। मैं थैंक यू करता हूँ बाबा जी का कि बाबा जी ने ना मेरे को ये वाला हुनर दिया और मैं वीडियोज़ वगैरह बना पाता हूँ, और अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको भी कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा पाता हूँ। इतना अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूँ ना, करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ हम बैठे हुए थे, जस्ट वैली के नज़ारे ले रहे थे, सामने वाली वैली के। अल्टीमेट है यार, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से उठ के कहीं और जाने का, मन कर रहा है बस बैठे। सो गाइस, जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, वैली के नज़ारे कम होते जा रहे हैं, और वैली को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बाकी देखो मैं यहाँ से ट्रैक करता 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 अब मैं नीचे की साइड जाना ना, तो अब अपने को ना बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। आराम से हम एक घंटे के अंदर अंदर नीचे पहुंच जाएंगे। वैसे आते वक्त ना मेरे को, मैंने ना 10:30 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट करा था, और यहाँ पर मैं वैली में बेसिकली पहुंचा हूँ 1 बजे के आसपास, तो आप आइडिया लगा लो। बाकी अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और अब 2 बज चुके हैं। सो जितनी देर हो सकी थी मैं वैली में बैठा, यहाँ के नज़ारे इंजॉय करें, और नज़ारे ऐसे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलने वाला। हाँ जी चेक करो, इतना बड़ा पहाड़ थोड़े से पत्थर के टुकड़ों पे रुका हुआ है। कभी भी गिर सकता है भाई, कभी भी गिर सकता है। नहीं, ये दोनों के दोनों पहाड़ ना थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े से पत्थरों के बाहर पे रुके हुए हैं। वैसे तो इस टाइप के नज़ारे हमारे को पूरे हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख सब जगह देखने को मिलते हैं, और हर जगह की ब्यूटी ना अलग ही है। जब ऐसे उतरने वाला रास्ता आता है ना, तब भैया बहुत डर लगता है। और इसके उस तरफ बिल्कुल खाई है। ओहो चेक कर रहे हो, तो कैमरा तो नहीं मैं ऑन करूँगा भैया अभी, ऐसे गिर गिर आ जाऊँ तो, क्योंकि सारे के सारे पत्थर ना ऐसे ही रखे हुए हैं, तो पैर वगैरह भी स्लिप कर सकता है। बाकी थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि भागता हुआ आ रहा हूँ, आगे भागता हुआ जाना है। ये देख रहे हो पत्थर हिल रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा सा ध्यान रख के नीचे उतरेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा। मतलब क्लियर कहने का मतलब कि ठीक ठाक है, जितना ख़राब रास्ता था ना वो यहीं पर ही है, आगे का रास्ता सारा ठीक है। ये देखो मैं कह रहा था ना, ये सारे के सारे पत्थर ना ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं, कई बार ना इनके ऊपर पैर रखे ना ऐसे पैर स्लिप हो जाता है। ये देख रहे हो ये चीज़ है। बाकी कोई चक्कर नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ना अपनी वीडियो बना के कोई डरा वरा नहीं रहा, मैं तो भैया मोटिवेट कर रहा हूँ, और थोड़ी सी ना आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आना ज़रूर है, जगह बहुत सुंदर है।
अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर था, अब मैं पानी के बिल्कुल पास आ गया हूँ, नदी के बिल्कुल पास। नदी की आवाज़ और नदी के नज़ारे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। चेक करो जी, आप भी चेक करो इधर। ओके सर जी, थैंक यू थैंक यू। भगवान ने ऐसी सुंदर सुंदर जगहें ना, पता नहीं क्यों इन कोनों में छुपा के रखी हुई हैं, ऐसा क्यों? सर आपको प्रकृति भी बताएगी कि ऐसा क्यों है। सही बात है, मेरे को तो सर जगह बहुत बढ़िया लगी। और मैं ना अपनी वीडियो के थ्रू हर सबको मतलब रिकमेंड करूँगा कि जिसका शरीर उसका साथ देता हो ना, वो यहाँ ज़रूर आए एक बार और सर से भी मिल के जाए। ठीक है, आपको कैसा लगा ऊपर? अच्छा लगा आपको? सर मैं कह तो रहा हूँ बहुत बढ़िया लगा सर। वहाँ की सफाई के बारे में कुछ बोलेंगे? सब कुछ साफ है सर, कोई गंदगी नहीं है। आप लोग YouTube के माध्यम से जरूर बोलना, सभी को बोलना कि जब भी यहाँ आए तो कूड़ा कचरा ना फैलाएं, हाँ। है ना, क्योंकि हमारा ये है कि प्लास्टिक फ्री रखना है हमें इसे, हाँ। तो इसमें जो यात्री आते हैं उनका भी फर्ज बनता है कि उसको प्लास्टिक फ्री रखें। एक कपल गया था वैसे अभी, वो फ्रूटी छूटी पी के फेंक गया, उठा के लेके आ गए मेरे साथ आते ले गए। चलो बढ़िया, हाँ वापसी में नहीं देखा मैंने, जाते वक्त देखे थे मैंने खाली। हाँ ओवरऑल सर जगह बहुत अच्छी है, सफाई सफाई पूरी बहुत अच्छी वाली है, मतलब जन्नत है सर। थैंक यू सर, एक ही वर्ड में कहूंगा जन्नत है। और आप लोगों ने इसको जन्नत बनाया हुआ है। थैंक यू। एक आपने बनाया हुआ है, एक ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। सारा ऊपर वाले का खेल है सारा ये। आप लोग मेंटेन कर रहे हो, सेवा आपकी लगी हुई है। हाँ, ये भी है ना, बाकी जगह बहुत सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमने जाना है गोविंद घाट तक, और रास्ते में जो प्यारे प्यारे नज़ारे आएंगे वो भी सारे आपको दिखाएंगे, और जो प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और ये वाले सर भी बहुत प्यारे हैं, मतलब अपना एक्सपीरियंस पहाड़ी लोगों के साथ बढ़िया गया जी हमेशा। और यहाँ पर देखो 4 बज चुके हैं और हम फूलों की घाटी से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। 4 किलोमीटर से ज़्यादा हम गए थे ऊपर ट्रैक करके। और ये वाला जो रास्ता है बेसिकली इस साइड वाला, ये जाता है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तरफ, और फूलों की घाटी का रास्ता जाता है इधर की साइड पे। ये पतली रोड है, वो थोड़ी सी चौड़ी रोड है, और ट्रैक दोनों की जगह का ही डिफ़िकल्ट है। और ये संगत जी है जो ऊपर से दर्शन करके नीचे आ रही है। और यहाँ पर चेक करो, अरे यार फिर मेरा डंडा गिर गया। रुको यार, पहले डंडा उठा लूँ, ये तो इसके बिना भैया गुजारा नहीं है। कल भी मेरा डंडा ना ऐसे ही गिर गया था, मैं वीडियो यहाँ पर खड़ा होकर बना रहा था और आज फिर गिर गया। मैं बता रहा था कि चेक करो यहाँ पे, देखो संगत जो हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आती है ना, उनके यहाँ पर कितने मज़े हो जाते हैं। इस नदी के पास बैठ जाते हैं, खूब फोटोज़ खिंचवाते हैं और फुल इन्जॉय करते हैं नदी का। बहुत बढ़िया महाराज, की हाल चाल तुम दसो? नहीं नहीं, मैं फुला दी घाटी गया सी भाजी। हाँ जी, और वधिया रहा, दर्शन वधिया हो गए, बच्चे ठीक ने सारे? चलो वधिया। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया गया है, बिल्कुल भी बारिश वारिश नहीं हुई है। जैसे कल बारिश हो रही थी ना, वैसी आज यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। सो ये मेरे लिए भी और संगत जो ऊपर गई थी दर्शन करने उनके लिए भी बढ़िया है। मेरे लिए इस करके बढ़िया है क्योंकि फूलों की घाटी को ना हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते अगर बारिश होती तो, बट हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए हैं। और अब हम नीचे आ गए हैं गोविंद धाम गगरिया गांव के पास। हाँ जी, अब यहाँ से गोविंद घाट 14 किलोमीटर है। चलो जी, ये इसके चैनल का नाम लिखा हुआ है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, और होटल भी है भाई का, तो भाई को सपोर्ट करना जी। अपनी तरफ से फुल शाउट आउट है भाई को, और जो भाई का होटल है ना, होटल भी पुलिस चौकी के पास ही है। ठीक है जी, ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कुछ चाय पानी पी लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अभी पैदल निकलेंगे आप? देखता हूँ आगे जाके कि अगर सर मुझे ये बता दीजिए GoPro। एक सेकंड, मैं इसको बंद करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। सो भाई का थैंक यू है बहुत ज़्यादा वाला। भाई ने ना मेरे को घोड़ा भी करवा दिया और बहुत सही रेट पे करवाया, और घोड़ा देखो भाई साहब, मतलब जेन्युइन घोड़ा है, जेन्युइन घोड़ा। क्यों जी सर, थैंक यू है भाई का सपोर्ट करना, भाई पूरी हेल्प करेगा आपकी यहाँ पर। आप कभी भी यहाँ पर आओ या आपको आना हो ना, तो ये भाई डेट वाइज ब्लॉग डालता है,
सबसे अच्छी चीज, मतलब करंट की आपको ना अपडेट रहेगी, न्यूज वगैरह मिलती रहेगी कि यहाँ पे आज का वेदर क्या है और यात्रा कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। तो भाई को सपोर्ट करना, भाई सर फुल सपोर्ट है अपना इसको, तो आप लोग भी करना। सो वीर जी देखिए यहाँ पर घोड़े पे बैठ रहे हैं, घोड़ा तो बिल्कुल दमदार है, देखो छोटा सभी के कंपैरिजन में देखे। बैठा दो भाई, थोड़ा हेल्प कर दो, तेरा घोड़ा बहुत ऊंचा है। ऊंचा घोड़ा है, बहुत ऊंचा घोड़ा है, बहुत ऊंचा घोड़ा। और ये देखे घोड़ा बहुत ऊंचा है और सर भी बैठ चुके हैं, बिल्कुल एंजॉय करना सर राइड को, और अच्छी एक बार ब्लॉग अच्छे से बनाना, और सर को मैं बाय करता हूँ। बाय मिलके अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, भाई ने जेन्युइन वाला घोड़ा दिलवा दिया। चले मेरे भाई, तेरा क्या नाम है? महिंदर। और इसका? शेरू। शेरू, चल मेरे शेरू। सही में शेरू है, थोड़ा टाइम। ठीक है जी, ठीक है। बोले सोनेहाल सचरिया काल। सो बाबा जी की कृपा से मेरी आज वाली यहाँ की यात्रा बहुत अच्छी गई, हेमकुंड साहिब वाली भी और वैली ऑफ फ्लावर वाली भी। चलो जी, एक्चुअली मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस टाइम पे ना 4:45 हो रहे हैं और मैं अभी गोविंद धाम में ही हूँ, मेरे को नीचे जल्दी पहुँचना है। जल्दी नहीं मतलब टाइम से पहुँच जाना है, क्योंकि ना अगर मैं आराम आराम से जाऊँगा ना थोड़ा लेट हो जाऊँगा, और मे भी हो सकता है कि ट्रैक करके नीचे जाते जाते ना मेरे को 8 से 9 बज सकते हैं। सो उसके चक्कर से ना मैंने घोड़ा कर लिया है, और मैंने यही सोचा कि चलो यार इस पर हम ना थोड़ा जल्दी चल लेते हैं, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी नीचे उतरते वक्त। और अभी ना मैं इस टाइम पर वैसे भी अकेला हूँ। हेलो, कैसे हो? और देखो हम इस टाइम पे पहुँच गए हैं। ये जो कैंप्स लगे हुए हैं, तो अगर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो यहाँ पर आके, पर कैंपिंग करना थोड़ा सा ना पंगा क्या है, एक तो उसकी जो पैसे हैं ना उनके पैसे हैं 2500 रुपये पर नाइट, और अगर आप विथ फूड लेते हो ना तो 5500 रुपये है। और कैंपिंग वाले एरिया से जो मार्केट है ना, वो भाई साहब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर की तरफ जाके है। जो बंदा यहाँ रहेगा ना तो वो यही खाएगा, वो ऊपर खाने तो नहीं जा पाएगा। सो आपको 5500 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो विद फूड, विदाउट फूड 2500 रुपये। और सामने हमारे यहाँ देखो हेलीपैड, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही प्यारा है, और जो संगत वहाँ पर बैठी हुई है ना वो सारी संगत हेलीकॉप्टर की वेट कर रही है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर चला जाऊँ, हेलीकॉप्टर में लेने से 2975 रुपये, और दिमाग में यही था, फिर मेरे दिमाग में है नहीं यार इतने पैसे ना मैंने नहीं खर्च करने हैं, हेलीकॉप्टर पे नहीं जाऊँगा मैं, घोड़े पे चला जाऊँगा। और घोड़े वाले भैया मेरे से ना बहुत ही रीजनेबल पैसे ले रहे हैं, उत्तराखंड वाले एक्सप्लोरर जो अभी मिले थे ना उन्होंने मेरे को घोड़ा करवा दिया है। काफ़ी सारी संगत बैग लेके बैठी हुई है, और आपके जो 5 किलो तक का जो वेट होगा ना बैग का वो आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंडली अगर आपका वेट भी 80 kg से ज़्यादा होगा ना तो भी आपको पर kg के हिसाब से पे करना पड़ेगा, शायद 80 रुपीज़ पर kg है। और हेलीकॉप्टर जो लेता है ना वो लेता है 2975 और 1 साइड, हाँ जी, और 5 मिनट में आपको नीचे उतार देगा, 5 मिनट में आपको ऊपर ले आएगा। सर्विस फास्ट बहुत है, पर थोड़ी देर ना वेट करनी पड़ती है यहाँ पर बैठ के हेलीकॉप्टर के आने की और जाने की। हेलो हेलो हेलो, बस बेटा थोड़ा सा रह गया, सिर्फ थोड़ा सा रह गया बस। छोटा सा बच्चा पूछ रहा है कितना रह गया। भाई थकावट तो ही जाती है, यहाँ देखो इसकी छोटा सा बच्चा और बैठे। एक चीज़ मैंने घोड़े पर बैठकर और सीखी है कि जब घोड़ा ना ऊपर की तरफ चढ़ता है ना तब हमें ना आगे की तरफ होना होता है, और जब घोड़ा नीचे की तरफ जाता है ना तब हमें थोड़ा सा ना पीछे की तरफ होना होता है। अगर हम इसका उल्टा होते हैं ना तो गिरने का डर ज़्यादा होता है। अब जैसे ऊपर चढ़ रहा है ना तो पीछे की तरफ हूँ, बट जब ये नीचे की साइड जाएगा ना तो तब मैं आगे की साइड पर होके बैठूंगा। हाँ जी, जैसे हम लोगों को भूख लगती है ना वैसे देखो जानवर को भी भूख लगती है, तो मैंने भैया को बोला कि भैया 2 मिनट इसको खाने दो, और घोड़ा देखो कितना ही मतलब ना अपने ज़बरदस्त तरीके से खा रहे हैं, चेक कर रहे हो। वाइगुरु चेक कर रहे हो चढ़ाई कैसी की चढ़ाई है, यहाँ बंदे की ना हालत ख़राब हो जाती है, पर ऐसी ही चढ़ाई है ऑलमोस्ट ये 3-4 किलोमीटर वाली एंड वाली, बहुत बहुत तिक्खी चढ़ाई है ऐसे करके वाली ना, बहुत ज़्यादा वाली, तो हालत ख़राब हो जाती है। अपनी भी हो गई थी हालत ख़राब, जब हम लोग गए थे ना तो हम लोग भी ट्रैक करके गए थे, सो हालत ख़राब हो गई थी, बट बाबा जी ने कृपा करी और हम ऊपर पहुँच गए। घोड़े पे बैठ बैठ के ना टांगे भी थोड़ी सी ना जाम हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट ओवरऑल मज़ा आता है। यहाँ देखो जी हमारा नया दोस्त मिला है शेरू, आ जा खाएगा बेटा, आ जा आ खिलाऊँ तेरे को, आ जा आ जा आ जा
आ जा मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए लिया, आ जा आ जा आ जा आगे आ जा। एक शेरू ये रहा और एक शेरू ये रहा, वो तो आराम से सो रहा है, इसको भूखी लगी हुई है तो इसको पहले डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा उसको भी डाल देंगे। ले खा ले बेटे, ले खा ले बेटा, तू भी खा ले, ये थोड़ा सा बुजुर्ग है और वो जवान है, खा ले बेटा खा ले। अरे 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 ले खा ले बच्चे खा ले। और ये रैपर को हम उठा लेते हैं, रैपर को हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, देखो इसको कितनी भूख लगी हुई है, कैसे फटाफट सारा खा गया, खा ले खा ले खा ले। और ये जो रैपर है इसको हम ना डस्टबिन के अंदर डालेंगे, ये होटल वालों ने यहाँ पर डस्टबिन बनाए हुए हैं तो हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है जी। गंद नहीं मचाना हमने, हमारा नाम ना उस जगह पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कोई कहे कि दमन सेठी गंद मचा कर गया था यहाँ पर आया था, ठीक है ना, सोचते फिर से हमने गंद बिल्कुल नहीं मचाना। और अपना कैमरा उठा लूँ जरा, मैं यही रख के मैं शेरू को ना कुछ खिलाने के लिए चला गया था, देखो दोनों खा रहे हैं। हाय, की हाल चाल है, ठीक हो विधि, बढ़िया रहा ऊपर से दर्शन वगैरह? बहुत मजा आया, क्या बात है, क्या मेरा भी विधि बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। कल मैं कल गया थी एक्चुअली, तुसी आज गए हो कि कल गए थी? अच्छा आज सवेरे जाके दर्शन करके आज ही सेम डे थले जा रहे हैं, गुड है जी गुड है। मैं एक्चुअली कल गया थी और कल बारिश वारिश हैगी थी तो उतरन वेले थोड़ी जी दिक्कत हैगी थी, ओवरऑल सब बढ़िया रहा। मतलब आज बहुत बढ़िया मौसम से पाई है। हां नहीं नहीं और क्राउड मतलब संगत हुंदी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हां जी हां जी, मतलब दर्शन होए टाइम पर। एक्चुअली ना मैं आज वैली ऑफ फ्लावर होके आया हूं तो मैं उधरों आ रहा थल्ले जा रहा हूं मैं इसी के लिए। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया जगह, जन्नत हैगी है, जिन्हें नहीं देखी ना मेरा YouTube चैनल तो देख लेना, तुहानू दिख जाएगी थोड़ी वीडियो ओदे अंदर ही आएगी, ठीक है। मैं मेरी मैगी है नहीं, देखो पहाड़ा च आके बंदा मैगी ना खाए तो फिर मज़ा नहीं आता ना। नहीं नहीं वेस्ट तो नहीं है, बट एक्चुअली ना मैं सही दसना यह ना बिल्कुल फ्रैश होंगी है, बाकी सारी चीज़ा उन्होंने हूँ कई बार ज़्यादा विकदिया ने कई बार घट विकदिया ने, तो समडे समटाइम्स ना उन्होंने एक चीज़ ना दो दिन तीन दिन चला देंगे, बट यह जो है ना फ्रैश है, ये बंदे की तबीयत नहीं खराब होगी, है ना। मेरा मेन रीजन है खान का मैगी। चलो करो इंजॉय वीर जी, मैं भी अपनी मैगी इंजॉय करता वा। ओके बाजी बाय बाय बाय। और गाइस चेक करो सामने का नज़ारा, बहुत ही प्यारा भाई साहब, ऑसम वाला। और संगत अभी भी ऊपर ट्रैक करती हुई जा रही है, ओए होए होए, ये जो झटका लगता है ना ये कमर तोड़ता है भाई, वैसे कुछ नहीं होता बट जब ये थोड़ा नीचे पैर लगाता है ना फिर कमर टूटती है। बाकी सिनेमैटिक एंजॉय करो जी। हाँ जी जी, हेलो हम के यहाँ पर देखो 6:45 हो रहे हैं और काफ़ी संगत अभी भी मतलब आधे रास्ते तक पहुँची है, और इसके बाद तो अभी भैया मेन ट्रैक स्टार्ट होना है जहाँ पे ना आपका टाइम लगता है बेसिकली, वो जो 4 किलोमीटर है ना वो वाले, वो टाइम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं भाई। पी ले भाई पानी, पी ले पानी, पी ले, इसको ना भूख लगी हुई है, खाना खा रहा है और ये पानी पी ले, पी ले बच्चे पानी, पी ले पी ले पी ले पी ले पानी, पी ले खाने दो यार खाने दो, 2 मिनट खाने दो, कोई नहीं हल्का सा खा ले बेचारे को भूख लगी होगी। तो फाइनली अब हम खुद घोड़े को चला रहे हैं, वैसे मैं नहीं चला रहा, घोड़ा अपने आप ही चल रहा है और जो हमारे घोड़े वाले भैया ना वो पीछे बैठे हुए हैं। बाकी ये है कि हाँ ये थोड़ा बहुत कभी कभी ना राइट लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, अपने कम्फर्ट के हिसाब से चलता है, तो कोई चक्कर नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने को ना पता है कि इसको भी अपनी जान प्यारी है तो ये भी ना कहीं इधर उधर नहीं लेके जाएगा अपने को। हाँ वो अलग बात होती है कि हम गलती से स्लिप हो जाए नीचे की तरफ तो फिर नीचे मिलेंगे आपको नदी में, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बाबा जी की कृपा से, बाबा जी साथ ही हमारे तो सारी चीज़ें बढ़िया ही होती हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। ओवरऑल डरने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी दुनिया डरती रहती है, काफ़ी दुनिया बातें बनाती रहती है,
बट ठीक है, जब जिसकी आई होती है ना तब उसकी आई होती है, अदरवाइज सब ठीक रहता है, सब बढ़िया रहता है। चल मेरे बेटे, चलो 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 चलो। तेरे कंधे पे हाथ रख के नीचे छलांग मार दूं? ना ना छलांग, आराम से उतर जाओ। इधर पैर छोड़ दूं? हाँ इधर छोड़ दूं। छोड़ दिया, अब ऐसे आ जाओ मेरे पे, डालो घोड़ा, तेरे पे वजन डाल दूं? ये भाई घोड़ा सच्ची में बहुत लंबा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मालिक रोटी खिलाता है ना तेरे को अच्छे से? चल खाने ही है उन्होंने आपको। चलो ठीक है जी, सवारी बहुत बढ़िया गई हमारी इनके ऊपर, और ये घोड़ा थोड़ा सा कह रहे हैं भैया कि बीमार है, सो इसको अब एक दो दिन हम रेस्ट देंगे। चल ठीक है भाई, ओके बाय बाय, बाय बाय, ओके भाई, थैंक यू, मिलते हैं। बाकी हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, और मेरे से ना घोड़े वाले भैया ने लिए 800 रुपये, क्योंकि मैंने शाम को घोड़ा किया है और मैं वहाँ से ना एक अप्रॉक्सीमेटली 4:45 बजे के आसपास चला था, और 6:50 पे मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो कह सकता हूँ कि 1 घंटा 40 मिनट में मैं नीचे आ गया हूँ, और जबकि मैं ना बीच में 15 से 20 मिनट मैगी खाने के लिए भी रुका था, अगर वहाँ ना रुकता ना तो मैं 1.5 घंटे में नीचे आ जाता। और ओवरऑल 800 रुपये के अंदर हम नीचे आ गए हैं। बाकी नज़ारे, व्लॉग बहुत बढ़िया गया आज वाला, पर अभी व्लॉग एंड नहीं करेंगे, व्लॉग एंड करेंगे गुरुद्वारा साहब पहुँच के। हाँ जी, क्योंकि अभी 4 किलोमीटर का डाउनवर्ड्स वाला रास्ता है, तो देखते हैं कि गाड़ी करते हैं या पैदल जाते हैं। सो गाइस, सिर्फ 4 किलोमीटर बचे हैं, 4 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे की तरफ गुरुद्वारा साहब की तरफ। सो मैंने सोचा कि यार इतनी देर से तो मैं घोड़े के ऊपर ही बैठा हुआ था, तो अभी ना मेरा चलने का मन कर रहा है, थोड़ा बैठने का मन नहीं कर रहा, सो उसके चक्कर से मैं ना पैदल 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 नीचे की साइड पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर तो भाई साहब प्रॉपर रोड बनी हुई है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह पूरा ऊपर आती हैं, और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं ना वो नीचे साइड चले जाओ या नीचे से ऊपर आ जाओ, आपसे 50 रुपीज़ एक साइड का चार्ज करेगी जी। और ये चेक करो, ये घोड़ों के लिए पानी पीने के लिए जगह बना रखी है, और यहाँ पर आके ना घोड़ों को ना खुला छोड़ दिया जाता है, घोड़े अपने आप ही आसपास के एरिया में चले जाते हैं खाने पीने के लिए। वैसे घोड़े नहीं हैं ये, पहाड़ी खच्चर है, पर इनकी ना कद खाटी अच्छी होती है और बढ़िया रहती है। बाकी एक चीज़ और चेक करो, यहाँ पे ना पार्किंग भी है इसी जगह में, तो ज़्यादा पार्किंग नहीं है, थोड़ी सी पार्किंग है यहाँ पर आके ना, तो आके ना सिर्फ बाइक वगैरह को पार्क कर सकते हो अगर पार्किंग अवेलेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग ज़्यादा नहीं है। तो एक ये पार्किंग है, एक ये पार्किंग है, ये पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी है, और एक सामने वाली पार्किंग है वो भी खाली पड़ी है, बट उसके नेक्स्ट वाली पार्किंग में कुछ बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं, जो लोग बाइक पर आते हैं वो सीधा ऊपर यहाँ तक आ सकते हैं। और हम वादियों के और मौसम के और जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ना उसके नज़ारे लेते हुए, बेसिकली इन सब चीज़ों को इन्जॉय करते हुए नीचे की साइड पर जा रहे हैं। और यहाँ पर तो भाई साहब पैर वैर दुखने का ना कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी, गोविंद घाट सिर्फ 5 किलोमीटर है, सिर्फ 5 किलोमीटर। वैसे बोलते 4 किलोमीटर है, बट यहाँ पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, उल्ला विलेज का तो ठीक लिखा हुआ है 0। बाकी देखो मेरे को तो पता नहीं है, कोई 4 कहता है कोई 5 कहता है, तो जो भी है ऐसा ही है जी। यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:10, और ये जो सामने चेक कर रहे हो, ये जो पूरी इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है ना, ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है, और इस साइड पे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करते हैं फटाफट से। मेरे ख्याल से मेरे को 10 मिनट और लगेंगे गुरुद्वारा साहब पहुंचने में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ऑल एंड ऑल बाबा जी की कृपा से हेमकुंड साहिब की यात्रा के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, और साथ के साथ बाबा जी ने फ्लावर ऑफ वैली के भी दर्शन बहुत बढ़िया करवा दिए। बाकी अभी हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहब, बाबा जी को जाके अरदास करेंगे थैंक यू की। सेकेंडली गुरुद्वारा साहब का लंगर छकेंगे, थर्डली यहाँ से प्रसाद देंगे अपने फैमिली वगैरह के लिए, और फोर्थली बैग्स अपने डिपॉजिट करवा कर गए थे, जो कपड़े हमने साथ नहीं लेके जाने थे, जो हमारे कपड़े ऊपर यूज़ नहीं होने थे, वो हम यहाँ पर डिपॉजिट करवा गए थे। सो अंदर जाएंगे, अब वहाँ से बैग वगैरह लेंगे, प्रसाद देंगे, लंगर चखेंगे, गुरुद्वारा साहब जाके बाबा जी को थैंक यू करेंगे, एंड उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह का अपना सीन है, हमें 6 बजे यहाँ से निकल जाना है और आगे जा रहे हैं पोंटा साहब गुरुद्वारे वाली साइड पर। सो यही सीन है जी, और हम अपनी आज वाली वीडियो को ना यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी एजेंडा लगा लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने यारों दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करो, सो दैट कि भाई को सपोर्ट कर सको, ठीक है जी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय बाय।